हेलो डियर स्टूडेंट्स आज ट्वेंटी सेवन जनवरी जेई मेन का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले हम वन टू सेवन क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और अब हमारे सामने हैं आगे के क्वेश्चंस सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर सोल्वेंट जो कि पोलरिटी से रिलेटेड है तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सीसीएल फोर सेकेंड क्लोरोफॉम थर्ड सी एच टू सी एच टू एंड फोर्थ सीओ टू काफी ईजी रहा होगा ये आप लोगों के लिए तो इसमें जो सही जवाब हो रहा है वो अपना हो रहा है क्लोरोफोम क्लोरोफोम एक पोलर सोल्वेंट है और वहीं सीसीएल फोर का मोमेंट जीरो होता है इथिन का डायपोल मोमेंट जीरो होता है और सीओ टू का मोमेंट भी जीरो होता है ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है और क्वेश्चन है वेन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स डायमर द लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन इज

एंड फोर्थ है पेप्टाइड लिंकेज तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोस्फोडाइस्टर लिंकेज जब दो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं तो जो पेंटो शुगर होती है उस पेंटो शुगर के फिफ्थ कार्बन एंड थर्ड कार्बन यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन होगा तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन होगा उसके बीच में जो हो लिंकेज होगा वो फोस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है अगला सवाल हमारे सामने है बच्चों हाउ मेनी ग्रुप शो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग हमारे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दी गई है ये सभी हमें बच्चों से ही पता चली है तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर बेंजीन पर एनएच सी ओ सी एस थ्री ग्रुप लगा है एनएच सी ओ सी एस थ्री ग्रुप क्योंकि प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है यहीं पर ओ OH एज ग्रुप ओ OH एज ग्रुप भी यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो ये भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है और यहीं पर सी आर को देखते हैं सी आर एक माइनस एम ग्रुप है तो ये कैसा ग्रुप हो गया ये ग्रुप हो गया बच्चों मेटा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया फोर्थ नंबर पर क्लोरीन फिर से प्लस एम ग्रुप है और प्लस एम ग्रुप है वो फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए बात करें सी एन ग्रुप की जो की पर पे लगा हुआ है साइनो बेन्जीन तो साइनो बेंजीन में जो साइनाइट ग्रुप है वो वहां मेटा डायरेक्टिंग होगा ड्यू टू तो इट्स माइनस एम नेचर और ये सीएस थ्री सी एस थ्री एक अलकाइल ग्रुप है और एलकाइल ग्रुप की जो नेचर होती है वो कैसी होती है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है तो इस तरह से इस पूरे सवाल में जो हमारे सामने गिवन आ, स्पीशीज है उनके अंदर टोटल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेंजीन पर जो लगे हुए हैं हमारा जवाब होता है बच्चों फोर तो इसका जो आंसर होगा वो फोर होगा अगला सवाल है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक स्ट्रक्चर दी गई थी और स्ट्रक्चर में एल्कीन है एल्कीन पर एचबीआर डाला गया है की प्रेजेंस में और सवाल है प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स में पूछा गया है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आर इन रिएक्शन रिएक्शन जो गिवन uh, है उसको करवा के हमें जो प्रोडक्ट्स है है उनका नंबर बताना और इंक्लूडिंग स्टीरियो बताना है तो हमने पहले तो रिएक्शन uh, कंप्लीट की एचबीआर की प्रेजेंस में हम अच्छे से जानते हैं कि ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है और जब रिएक्शन करवाई जाती है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट ये बनेगा इट इज टू ब्रोमो थ्री मिथाइल हेक्सेन तो हम यहां देख पा रहे हैं बच्चों की कायरल सेंटर दो होने के कारण टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो आता है वो इसका फोर आता है तो ये कंप्लीट क्वेश्चन अपने थैंक यू